जय हिंद, जय भारत। तो चलिए आज हम समझते हैं ब्लड का ये पार्ट टू क्लास है। तो इसमें देखेंगे ब्लड क्लोथिंग, रक्त का जमना या रक्तो, बांग्ला ही बोला है रक्तो जमान। तो ब्लड क्लोथिंग ये क्या होती है? हमारा देखिएगा बॉडी का कहीं भी काट जाएगा, ऐसे काट जाएगा तो खून निकलेगा। उसके बाद थोड़े ही देर बाद उसमें क्या, आप ऐसे चिप देते हो कहीं काट जाता है तो क्या, ओ कट गया भाई चिप दो, तो ऐसे क्या, उसके बाद थोड़े देर के बाद ब्लड बंद हो जाती है। तो वो क्यों हो जाती है उसके बारे में आज हम समझते हैं। ब्लड क्लोथिंग, रक्त का थक्का, खून का थक्का। तो ये देखिएगा तो ये होने में 4 मिनट समय लगते हैं। 4 मिनट में ये जो कैस्केडिंग प्रोसेस, इसको कहा जाता है कैस्केडिंग प्रोसेस, को होने में 4 मिनट समय लगता है। 4 मिनट बाद आपका खून रुक जाता है, नहीं निकलता। वो देखते हैं ये प्रोसेस में क्या होती है। प्रोसेस में ये थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटलेट में रहती है, थ्रोम्बोसाइट और प्लस वायु, खून में तो घूम रहे हैं ना, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारे घूम रहे हैं। तो प्लेटलेट में रहते हैं थ्रोम्बोसाइट, ये थ्रोम्बोसाइट और वायु मिलके एक्टिव कर देता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिव कर देता है, ये दोनों मिलके। पहले प्लेटलेट में ये थ्रोम्बोसाइट और वायु, ये दोनों मिलके थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिव कर देता है। और ये जैसे एक्टिव होती है, उसके बाद ये थ्रोम्बोसाइट और कैल्शियम मिलके थ्रोमोबिन को एक्टिव कर देता है। थ्रोमोबिन फिर प्रोथ्रोमोबिन को एक्टिव कर देता है, और कैल्शियम मिलके प्रोमोबिन को एक्टिव कर देता है। प्रोथ्रोमोबिन एक ओके थ्रोमोबिन हो जाता है, प्रोथ्रोमोबिन थ्रोमोबिन। तो थ्रोमोबिन और थ्रोमोबिन एक्टिव कर देता है ये फाइब्रोनोजिन को, और फाइब्रोनोजिन एक्टिव कर देता है फाइब्रिन को। और फाइब्रिन क्या होती है? फाइब्रिन एक जाली होती है, जाली नुमा, जिसपे क्या सब फंस जाता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, ये फंस जाता है, तब आपका खून रुक जाता है। तो ऐसे कट जाएगा तो ऐसे चीप के रखता है, ऐसे करके ऐसे चीप, थोड़े देर के बाद ये छोड़ देने से खून रुक जाता है। तो कैसे वर्क करती है ये कैस्केडिंग प्रोसेस? पहले जो प्लेटलेट में रहती है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और वायु मिलके थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिव कर दिया, और थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलके प्रोथ्रोमोबिन को एक्टिव कर दिया, और प्रोथ्रोमोबिन थ्रोमोबिन हो जा रहा है। और इधर थ्रोमोबिन और फाइब्रिनोजेन, ये थ्रोमोबिन फाइब्रिनोजेन को मिलके एक्टिव कर देता है ये फाइब्रिन को। और फाइब्रिन क्या होती है? एक जाली नुमा होती है, जाली टाइप के, ऐसे कहीं भी काट गया तो उसमें क्या ऐसे ऐसे जाली हो जाते हैं, और इसमें अटक जाते हैं जो खून में रहते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट। हाँ, तो ये कैस्केडिंग प्रोसेस इसको कहा जाता है, ब्लड जो थक्का होता है उसको कैस्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है। ये होने में 4 मिनट समय लगते हैं, 4 मिनट में ये सब हो जा रहा है। तो पहले क्या हो रहा है, ये थ्रोमोबिन और वायु, वायु तो आपका बाहर कट जाएगा तो वायु तो मिल जाएगा, तो वायु मिलके ये प्लेटलेट थ्रोम्बोन मिलके थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिव कर देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलके फाइब्रोनोजिन को एक्टिव कर देता है। और फाइब्रोनोजिन बन रहा है क्या? थ्रोम्बोबिन, और थ्रोम्बोबिन कर दे रहे हो फाइब्रोनोजिन को, फाइब्रोनोजिन एक्टिव होके क्या हो रहा है फाइब्रिन। और फाइब्रिन हमारा क्या है? फाइब्रिन हमारा जाली नुमा है जिसमें अटक जाता है खून। खून में क्या क्या रहते हैं? प्लेटलेट, फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो तो आपको ब्लड चैप्टर में समझाए दिए है सारे। प्रोसेस में ए में क्या हो रही है? ए में हो रही है थ्रोम्बोसाइट, और जिसको प्लेटलेट में रहते हैं जो, वो वायु जो जब मिल जाता है तब तो इसको जगा देता है, इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन को, थ्रोम्बोप्लास्टिन को जगा दे, उठ 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 उठ, क्या कर रहे हो? उठ उठ, कट गया बाहर, कट गया, उठ उठ। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम ये दोनों मिलके इसको जगह दे रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन फिर जगह देता है इसको,
थ्रम्बिन ग्रुप, प्रोथ्रोम थ्रम्बिन ग्रुप, उठ 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 क्या कर रहे हैं, उठ कट गया उधर चल चल, तो ऐसे थ्रम्बोबिन थ्रम्बोफिब्रिनोजेन को, और फाइब्रिनोजेन क्या बन जाता है फाइब्रिन, और फाइब्रिन तो उसमें तो जाल कर देता होगा, स्पाइडरमैन में हूं कोई इससे बाहर नहीं जा सकता, ये जाली कर देता है क्या फाइब्रिन, फाइब्रिन जाली कर दिया तो खून का थक्का बन गया, मतलब रक्त जमा हुआ बाहर नहीं निकलेगा, रक्त जमाट बन गया। तो ये होती है कैस्केडिंग प्रोसेस, जिसको ब्लड क्लोथिंग, जो रक्त जमा होती है वो प्रोसेस होने में 4 मिनट समय लगते हैं। विटामिन के, विटामिन के का बहुत महत्वपूर्ण है ये ब्लड क्लोथिंग में, विटामिन के सब सबको बोलते हैं उठ उठ रे उठ रे उठ रे कट गया रे कट गया जाओ 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 काम करो काम करो काम करो, बॉडी में काम करो जाओ 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 जाओ, वही इसको प्लेटलेट में बायो को फिर ये सारे चीज मतलब करवा देता है, जाओ 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 जाओ, विटामिन के करता है। याद रखने का तरीका देखिए, ये कैस्केडिंग प्रोसेस कितने मिनट में हो रहे हैं, 4 मिनट में, और ए बी सी डी ये भी 4 है, मतलब 4 प्रोसेस इस तरफ और 4 मिनट इसको होने में लग रहा है, ठीक है ना। तो ब्लड क्लोथिंग कौन कौन सी चीज हेल्प करती है ब्लड क्लोथिंग में उसको हम देखते हैं, तब तक के लिए एक स्क्रीनशॉट आप ले लो, रक्त का थक्का बनने में कौन कौन सी चीज हेल्प करती है ब्लड क्लोथिंग में। तो ब्लड क्लोथिंग में ये देखिएगा था रुधिर अणु में रहते हैं, रुधिर अणु में रहते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट क्या प्लेटलेट, प्लेटलेट में उसको रहते हैं, रुधिर अणु में प्लेटलेट आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट रहती है, तो रुधिर अणु में हेल्प करता है थ्रोम्बोसाइट। और इधर प्रोटीन क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन कौन कौन सी, प्रोटीन रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, और इधर धातु तत्व क्या कह रहे थे धातु, तो कैल्शियम, तो ये सारे चीज, और इसको कराने में इसको विटामिन के ये सब कर 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 जाओ 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 कट गया उधर अरे बॉडी में कट गया जाओ 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 काम करो, ये सब क्या कौन बोलता है विटामिन के ही ये प्रोसेस चलाती है। तो हमारा रुधिर अणु में क्या रहते हैं थ्रोम्बोसाइट, और प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये 2 प्रोटीन, और धातु में तत्व ये कैल्शियम, और इसको प्रक्रिया को चलाता है विटामिन के, ये सब क्या करते हैं जाओ 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 कट गया खून जमा एक विपरीत क्रिया रहती है, विपरीत क्रिया की एंटी क्लोथिंग एजेंट रहती है, एजेंट क्लोथिंग एजेंट क्या करती है, कोई भी अगर बॉडी में खून जमाया तो मार मार के एकदम चमड़ा उधर देंगे, ऐसा बोलता है क्या हेप्रिन, ये मतलब खून को जमने नहीं देता, अरे ये विटामिन के और ये सारे जो प्लेटलेट में थ्रोम्बोसाइट फिर ये दोनों प्रोटीन और धातु कैल्शियम ये जमाता है, जम जाओ और ये क्या करता है ये मतलब कोई भी जमाया तो काट देंगे वहीं पे, ये हेप्रिन करता है, मतलब ये विपरीत काम करती है, विपरीत काम करती है, इससे ऑपोजिट काम करती है एग्नेस्ट, ये सारे क्या करते हैं खून को जमा 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 जाली बना 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 ऐसे ऐसे जाली बना बना, और ये हेप्रिन कोई भी बनाया तो देख लेंगे बाबू, तो ये कहता है हेप्रिन, मतलब ये अगेंस्ट काम करती है। बॉडी में विटामिन के कम हो जाने से एक बहुत डेंजरस बीमारी होती है जिसको कहते हैं हीमोफ्लोजिया, हीमोग्लोबिन क्या होती है ये मतलब खून, ये जो विटामिन के क्या करती है थक्का बनाती है, ब्लड क्लोथिंग थक्का, वो थक्का ये बनता है, वो खून बहता ही चलता है, जिसको बंगाली में क्या रक्तखरण कहते हैं, रक्तखरण हो जाती है, बहुत ब्लीडिंग होके मर जाती है कहते हैं। और उसके बाद एक और बीमारी आता है वो मतलब उसमें क्या होती है वो थक्का बना देते हैं, उसमें ये जो हेप्रिन रहती है हेप्रिन मतलब काम नहीं करता, तो ये दोनों जरूरी है, विटामिन के भी जरूरी है ये हेप्रिन भी जरूरी है। हेप्रिन क्या करती है, हेप्रिन बॉडी का अंदर में सारी जो सेल रहती है उसमें खून जमने नहीं देता है, सबको हटा देता है ऐसे करके रहती है, ये हेप्रिन करता है। और हेप्रिन घट जाने से एक बीमारी होती है हीमोफिलिया, ये ब्रेन में ज्यादा होती है,
ब्रेन में क्या रहती है, ब्रेन में तो छोटा छोटा सेल रहती है, उसमें अगर खून जम गया ब्लड तो आना जाना कैसे होगा, तो ब्रेन वर्क नहीं करती है, उसमें मौत हो जाती है आदमी का। ये जो फाइब्रिन और प्रोथोम्बिन और हेपरिन ये तीनों बनते हैं लिवर में, लिवर में ही तीनों बनते हैं। तो लिवर चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में आलोचना करेंगे। तो फाइब्रिन, फाइब्रिन कहाँ बनती है, लिवर में, और प्रोथ्रोम्बिन भी लिवर में बनती है, और हेपरिन मतलब बनती है लिवर में, तो इसका काम अलग है। और ये दोनों का काम क्या है, खून का जमा देना। फाइब्रिनोजेन ये कि क्या करते हैं, ये खून का जमा देते हैं, ये प्रोथोम्बिन भी खून को जमा देता है, और ये जिन रहती है ये हेपरिन क्या करती है, ये हेपरिन जमाने नहीं देता, ये दोनों खून जमा देता है और ये जमाने नहीं देता। तो ये खून जमाता है, ये दोनों फ्लश करती है ये दोनों, और ये खून जमाता नहीं है, और ये कहाँ बनता है, लिवर में, हमारा लिवर में ही बनता है ये तीनों हेपरिन। तो विटामिन के का बहुत महत्वपूर्ण काम है इसमें, मतलब ये सारे प्रक्रिया का करने में, सबको यही उठाता है, ए चलो रे कट के उधर चल 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 काम कर काम कर, ये सारे मतलब काम विटामिन के करती है, जो खून का थक्का क्लोथिंग जिसको कहा जाता है, सबको इंजेक्शन देती है, कैसे देती है, न्यू नर्स ऐसे करके इंजेक्शन लिया, और फिर क्या करती है नर्स ऐसे कर करके और ऐसे ऊपर करके, मतलब जो वायु रहते हैं उसमें उसको हटा देती है, और जो दूध रहती है उसको आपको ऐसे घुसा देता है, ऐसे घुस गया तो ओ लग गया रे भाई बहुत जोर लगा ऐसे करके बोलता है ना। और जो सारे लोग बीमारी में एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में जुकाम वगैरह हो जाने से, तो क्या करती है डॉक्टर, डॉक्टर स्लाइन दे देती है, स्लाइन ऊपर ऐसे करके स्लाइन दे देती है ऊपर से, और वो स्लाइन में एक सी सुई और आपके इधर में वो वहीं कहीं आपको दे देती है एक सुई, तो उसमें क्या पानी आता है और औषध भी आता है, तो पानी आपका बॉडी में घुस रहा है, अगर एयर घुस गया मतलब हवा आपका बॉडी में घुस गया तो क्या होगा, खून का थक्का होना बंद हो वहां पे, मतलब ज्यादा खून का थक्का हो जाएगा आपके एयर घुस जाने से, एयर घुस जाने से क्या वो एक्टिव हो जाएगा प्लेटलेट में जो रहती है ये थ्रोम्बोसाइट, और एक्टिव हो जाएगा क्या वो थक्का बना देगा बड़ा, और वो बहुत जोर बेथा करती है, उसमें बहुत जोर से लगता है, तो जहीं कहीं भी होगा। तो रुधिर अणु में रहती है थ्रोम्बोसाइट जिसको प्लेटलेट में रहती है, और प्रोटीन दो पाया जाता है फाइब्रोनोजिन और विन, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, और तत्व ये धातु, धातु क्या रहती है कैल्शियम, और इस प्रक्रिया को चलाते हैं विटामिन के, और एंटी क्लोथिंग एजेंट रहती है हेप्रिन, ये मतलब खून को जमा नहीं बनने देता है, और ये सारे जमा करते हैं, तो आपका बॉडी में यार घुस गया तो क्या हो जाएगा, खून का थब्बा बन जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा वहीं पे, रक्त तो जमा हो ही जाए, तो ये ब्लड क्लोथिंग होती है ऐसे। तो आई होप तुम लोगों को ये ब्लड क्लोथिंग रक्त का जमना रक्त तो जमा समझ आ गया होगा। बाद के क्लास में जो ब्लड का पार्ट 3 आएगा उसमें हम ब्लड ग्रुप देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।